सब्जेक्ट दिया गया है वो है सोशल मीडिया एंड सोशल मीडिया को अक्सर लोग समझते हैं कि फेसबुक इज सोशल मीडिया सही बात है मैक्सिमम ये समझते हैं मेरे नज़दीक सोशल मीडिया स्टार्ट होता है मस्जिद के अंदर से क्योंकि हम सबसे ज़्यादा सोशल वहाँ पे हमें दिन में 5 दफ़ा जाने का हुक्म है चाहे एक दूसरे से मसलाए पूछें एक दूसरे से मिलें लेकिन हमने उसको भी छोड़ दिया और हम जाते हैं नमाज पढ़ते हैं और बराबर वाले का पता भी नहीं कौन है हार आते हैं एंड जो असल मकसद था उसमें जाने का मिलने का वो हमने उसको स्किप कर दिया तो अगर हम बैक टू रूट्स आ जाएँ वापस अपनी जगह पर आ जाएँ कि जब नमाज से फारिग हों तो उसके बाद सीधे आज़ादी को सलाम कर लें इम्तिहान वाले को सलाम कर लें और आधा मिनट उससे पूछ लें भाई आप खैरियत से हैं क्या काम क्या करते हैं आप कौन हैं कहाँ रहते हैं क्या करते हैं एंड वो चीज़ हमें वापस फेसबुक ने सिखाई है कि अब हम जाके फेसबुक पे यही करते हैं और जाके इंफॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं अबाउट पे क्लिक करते हैं देखते हैं कि आप हैं कौन मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि हम मियाँ साहब ने क्या लिखा है अपने अब मियाँ साहब ने अपने बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ अब मियाँ साहब को कैसे जानेंगे कि मियाँ साहब कौन है मैं समझ रहा था कोई बुजुर्ग से साहब होंगे मैं आने से पहले इनकी फोटो भी सही नज़र नहीं आ रही यहाँ पे एंड यहाँ पे लिखा हुआ भी कुछ नहीं है 14 अगस्त को पैदा हुए थे ये पता है हो सकता है 1947 में पैदा हुए हो सकता है 1975 में पैदा हुए क्वालिफिकेशन लिखी हुई है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है तो हो सकता है कि भाई मॉडर्न में उनके MSS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पहले होती नहीं थी बट ये हमारे बारे में बहुत सारी चीज़ें बताता है कि हम हैं कौन और ये वो जगह है जहाँ पे हमें पहली दफ़ा अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने बारे में बताने के लिए कि हम एक इस्लाम मुसलमान हैं हम एक अमन पसंद कौम है हम आपकी भलाई करना चाहते हैं हम आपकी मदद करना चाहते हैं और हम आपसे मदद लेना चाहते हैं ये चीज़ अगर हम यहाँ नहीं लिखेंगे किसी को क्या मालूम इसी तरह अक्सर साथियों ने पिछले दिनों मैंने शॉपिफाई पे वीडियो बना ली थी तो मुझे अजीब अजीब से मैसेजेस आना शुरू हो गए और उस मैसेजेस के अंदर किसी में तलवार लगी होती शक्ल में कहीं पे कोई मास्क पहन के खड़ा होता है कोई कफन बांधा हुआ होता है तो अब जब मुझे इस किस्म के लोग मैसेज करेंगे तो मैं उनको क्या जवाब दूँ मुझे अगर यहाँ पे कोई भी ना कफन बांध के बैठा हुआ है सर पे ना मास्क पहन के बैठा हुआ है ना कोई मुँह छुपा के बैठा हुआ है तो मैं आपसे आराम से बात कर सकता हूँ लेकिन जब हम वर्चुअल वर्ल्ड में जाते हैं फेसबुक पे जाते हैं तो लोग अजीब अजीब सी शक्लें उस पर लगा लेते हैं और उससे तासुर जो मिलता है वो मिलता है कि बहुत ख़राब किस्म का तासुर और उस तासुर को ठीक करने के लिए हम अब इस चीज़ को वापस इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम अपने तासुर परसेप्शन जो है यानी कि जो लोगों के दिमाग में आइडिया है कि जमात इस्लामी ऐसी होती है उससे ठीक कर सकते हैं एक और मैंने कॉमेंट लिखा था अगर आपको याद हो कौन सी इदारे की बात हुई थी किस क्या कहते हैं नहीं वो कोई तंजीम टाइगर क्या थंडर स्पॉट तो मुझे इत्तेफाक हुआ MQM के एक जलसे में जाके इसी तरह सोशल मीडिया में बात करने का वहाँ पे बहुत सारे साथियों ने ऐड कर लिया फेसबुक पे फिर उसके बाद जब मैंने लिखा एक दिन कि मैं मस्जिद में जाऊँगा और जाके जमात इस्लामी को जाके लोगों को सोशल मीडिया के बारे में बताऊँगा तो एक साथी का मैसेज आया आप जमात इस्लामी में जाएंगे बताने के लिए मैंने कहा हाँ तो आप ना जाएं वहाँ पे आपको पता नहीं कैसे लोग हैं मैंने कहा कैसे लोग हैं कि बड़े ख़तरनाक लोग हैं मैंने कहा क्या ख़तरनाक काम करते हैं उन्होंने मैंने आपको पता ही नहीं है सबको तो पता है मैंने कहा नहीं यार मुझे ही नहीं पता आप बताएं क्या क्या ख़तरनाक काम किया तो आपको थंडर स्क्वाड का पता है मैंने कहा नहीं थंडर स्क्वाड का भी नहीं पता क्या है तो मैंने क्या एक काम करता हूँ मैं जाऊँगा अमीर जमात इस्लामी जो कराची के हैं उनसे पूछूंगा और फिर मना के आऊँगा कि थंडर स्क्वाड क्या है आप ही बता दें कहते हैं ऐसा नहीं कीजिएगा मुझे मरवा देंगे तो ये इस बात के बाद से मुझको बहुत तकलीफ हुई जब उसने ये बात की कि ये मुझे मरवा देंगे और वो एक मुसलमान आदमी जो कराची में शहर में रहता है जो कि सारा हमारे साथ ही बड़ा हुआ है वो उसके जहन में ये बात कैसे आई कि वो हमें मरवा देंगे अच्छा अक्सर यही पेशरफ हम MQM के बारे में भी कहते हैं कि MQM मरवा देंगे मैं कराची से ताल्लुक रखता हूँ इसलिए थोड़ा सा मैं आपको एक स्टोरी सुना रहा कि ये परसेप्शन है अगर एक आदमी के जहन में ये परसेप्शन पाकिस्तान के अंदर रहते हुए है तो आप ये सोचें कि जो पाकिस्तान से बाहर लोग रहते हैं उनका परसेप्शन क्या होगा हमारे मुल्क के बारे में
अगर हम अपनी प्रोफाइल के ऊपर यहाँ पे नहीं लिखेंगे मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी है, मैंने हाई स्कूल फलाना जगह से पढ़ा है, मैंने कैथलिक स्कूल से भी पढ़ा है, मैंने ये भी पढ़ा है, तो जब कोई बाहर का आके आपको ऐड करेगा या रिक्वेस्ट देगा तो वो क्या समझेगा कि पाकिस्तान के बारे में आप है कौन? आपको मैं अगर आज यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उनमें से किसी को कहूँ कि इराक चलें, इराक चल के काम करते हैं बड़ा फायदा होगा, या इसी तरह अफगानिस्तान चले, तो अफगानिस्तान और इराक का नाम लेते ही आपके जहन में तस्वीर कौन सी आती है? कभी सोचा है कि द मोमेंट मैं आपसे अफगानिस्तान का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा तो आपके जहन में एक पिक्चर आ जाएगी? वो पिक्चर है जो कि हमारे ऊपर मीडिया ने मुसल्लत कर दी है। वो पिक्चर जरूरी नहीं है कि सही हो, लेकिन वो पिक्चर है जो हम सुबह से शाम टीवी पे देखते हैं। जबकि इराक का लफ्ज टीवी पे आता है तो अगला लफ्ज जो आता है वो जिस किस्म का लफ्ज होता है वो हमारे जहनों पर नक्श हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से क्योंकि मैं बाहर भी अक्सर रहता हूँ तो जब पाकिस्तान का लफ्ज किसी मीडिया में आता है तो उसके बाद जो अगला लफ्ज आता है वो खराब या नेगेटिव वर्ड आता है, जिसकी वजह से लोगों के जहन में जो इमेज बन गया है वो नेगेटिव बन गया है और उस इमेज को हटाने की जरूरत है। इसी तरीके से इस्लाम के साथ जो लफ्ज आ गया है वो भी इसी किस्म का एक नेगेटिव वर्ड आना शुरू हुई, क्योंकि जब अच्छे लोगों ने जाके बात करना छोड़ दी तो खराब लोग लीड कर गए। आपका क्या ख्याल है? कुछ कुछ सेंसिबल है। तो हमारे लिए अशद जरूरत हो गई कि अगर हमारे कितने कारकुनान हैं जमात इस्लामी पाकिस्तान के, कितने लाख? 10 लाख? 5 लाख? 1 लाख? 5 लाख? 5 लाख में से 2.5 लाख लोग ऐसे होंगे जिनके पास कंप्यूटर्स होंगे या वो पढ़े लिखे होंगे, क्योंकि जमात इस्लामी में ज्यादातर वो लोग हैं जो कि पढ़े लिखे हैं, जाहिल कम है पढ़े लिखे ज्यादा है। अगर हम उन 2.5 लाख लोगों को अपना एम्बेसडर बना लें पाकिस्तान का और यहाँ जाके लिखते हैं कि अबाउट माईसेल्फ मैं लिखूँ आई एम अ फॉलोअर ऑफ मोहम्मद बिन अफ़ान है goal is to unite humanity, whose goal is to spread peace around the world. Now 2.5 लाख लोग अगर जाके स्प्रेड कर रहे हैं और आपके फ्रेंड्स कितने हैं फेसबुक के ऊपर हैं 259। अब शमसुद्दीन भाई जैसे अगर लोग बैठे हों तो यहाँ पे इनके 5000 फ्रेंड हैं। अब 5000 लोगों को एक आदमी ने बताया कि इस्लाम का पैगाम क्या है। सिमिलरली अगर 2.5 लाख लोग 5000 लोगों को बता दें तो हमारा जो दीन की जो स्प्रेडिंग है, हम एक अपनी जिंदगी में 5000 लोगों तक पैगाम नहीं पहुंचा सकते या पहुंचा सकते हैं। सुबह से शाम तक लगे रहे सारा कुछ खत्म करना पड़ेगा 5000 तक सिर्फ ये बताने के लिए कि मैं मुसलमान हूँ और कुछ भी ना करें। यहाँ पे हमें ताकत मिल गई कि हमें यहाँ पे एक स्टेटस यहाँ लिखेंगे जाके और 5000 लोगों को और प्लस 462 5500 लोगों को पता चल जाएगा कि क्या हुआ। करें ताकत बहुत ज्यादा हो गई ना। इसी तरीके से आप लोगों में से खान अकेडमी ने कब किसी ने सुना है? एक ने सुना, बाकी उन्हें नहीं सुना, बड़ा अफसोस की बात है। सुनाते हैं आज आपको, खान अकेडमी एक साहब ने बनाई है और उसके अंदर सिर्फ 3 साल में 35 करोड़ लोग पढ़ चुके हैं।